थाना सेक्टर 39 पुलिस और ठग ठग गैंग के बदमाशों के बीच चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़। मुठभेड़ में बदमाश दीपक उर्फ मनीष और इम्तियाज उर्फ अरमान के पैर में लगी गोली। उनके कब्जे से दो अवैध तमंचा, मैं दो खोखा कारतूस, दो जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल पल्सर, दिल्ली से चोरी तीन चोरी के लैपटॉप व 8,000 रूपए नकद बरामद। दोनों बदमाश गाड़ियों का शीशा तोड़कर कीमती सामान चोरी करते थे। अभियुक्त दीपक पर दिल्ली NCR में 50 से भी अधिक मुकदमे तथा अभियुक्त इम्तियाज उर्फ अरमान पर 32 मुकदमे दर्ज हैं। गिरोह में शामिल अन्य साथियों की तलाश कर रही नोएडा पुलिस। स्टेशन में हमारी सेक्टर 49 की टीम यहां पर चेकिंग कर रही थी, 41 चौकी एरिया में। यहां पर एक मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध लड़के आते हुए दिखाई दिए थे, उनको रोकने का प्रयास किया गया था। इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, इसमें दोनों बदमाश घायल हुए। घायल बदमाश से पूछताछ पर ज्ञात हुआ, इसमें एक का नाम दीपक है और दूसरे का नाम इम्तियाज है। दीपक जो कि शातिर अपराधी है ठग ठग गैंग गिरोह का, और इम्तियाज भी। दीपक पे करीब 55 मुकदमे पंजीकृत हैं और जो इम्तियाज है उस पर करीब 32 मुकदमे पंजीकृत हैं। इनके पास एक मोटरसाइकिल बरामद हुई, दिल्ली से चोरी की है। दो तमंचे बरामद हुए जो घटना में अभिप्रेत किए गए हैं। तीन लैपटॉप बरामद हुआ है जो इनके द्वारा अभी हाल ही में चोरी किया गया था। और ये दोनों अपराधी शातिर अपराधी हैं। ये दोनों सेक्टर 49 थाना क्षेत्र से वांछित चल रहे थे। इन पे 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। इनको उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। हमारी दो टीमें लगातार इनसे गहन पूछताछ कर रही हैं। अभी इनसे हमें और अभियुक्तों, इनके सहयोगियों और कुछ हैवी रिकवरी की इनके पास से माल की बरामदगी की संभावना है। इनकी निशानदेही पर पकड़ा गया किस तरीके से लोग चोरी घटना करना। थाना 126 में जो हमारे एसओ है वहाँ की जो टीम है उन्होंने बहुत मेहनत करके काफी दिनों से चोरी की सूचना आ रही थी। उसमें एक गैंग पकड़ा है जिसमें तीन लोग गिरफ्तार हुए थे। एक यूपी का रहने वाला हमीरपुर का है, दो ये ईस्ट मिदनापुर पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और ये काफी दिनों से चोरी कर रहे थे। उनके पास से 44 मोबाइल फोन और 4 लैपटॉप बरामद हुए थे। उनके पास से ATM कार्ड भी और सारे कागजात बरामद हुए। एक ऑटो भी है जिससे ये चोरी करने आते थे। इनकी मॉडस ऑपरेंडी होती थी कि ये सुबह के वक्त चोरी करते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि सुबह के आदमी ज़्यादा गहरी नींद में हो जाता था और गर्मियों का सीजन रहता तो खुले मकान में ये घुस करके चोरी कर ले जाते थे। और जो इनसे पूछताछ का भी पता चला है कि लगभग 400 मोबाइल फोन और 200 लैपटॉप अब तक की चोरी कर चुके हैं और इन्होंने बताया कि ये ले जाके पश्चिम बंगाल में बेचते हैं। इसके और आगे की इनके घर में कौन कौन लोग हों और क्या करते थे ये कोई सही बताएं कि नहीं बताएं, इस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर ये नोएडा को टारगेट बना देती है दिल्ली NCR में? नहीं, दिल्ली NCR में इसमें जो एक अभियुक्त है वो दिल्ली में भी पकड़ा गया है, उसे कई सारे मुकदमे हैं। तो दिल्ली से भी करते थे, पहले दिल्ली रहते थे लेकिन अब आ गए थे यहाँ, रह रहे थे नोएडा में रह रहे थे। कब से अभी तो हमारे इसमें 12 जो मोबाइल फोन है वो कनेक्ट हुए हैं और 2 लैपटॉप कनेक्ट हुए हैं, तो 14 घटनाएं तो हमारे यहाँ की प्रमाणित है। इसे चोरी के मोबाइलों को कहाँ खपाते थे? इनका कहना है कि हम पश्चिम बंगाल ले जा करके बेच देते थे और जो हमारी इन्फॉर्मेशन है कि ये बेचते हैं तो अब लोग इनको चलाते नहीं है, क्योंकि जब IMEI रन होती है उससे पकड़े जाने का डर रहता है। तो ज्यादातर जो रिपेयरिंग शॉप वाले हैं वो खरीदते हैं, इनके पार्ट्स वो दूसरे मोबाइलों में ट्रांसफर कर देते हैं। सरगना कौन है सर? सरगना इसमें ये दोनों तपन और सपन मांझी दोनों हैं। इसके ये तो करीब लगभग 2-2.5 साल से कर